अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मैं सेबास्टियन। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सब कैसे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो भाई, रियलमी 10 फाइनली जो है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि कुछ कंट्रीज में लॉन्च कर दिया गया रियलमी की तरफ से, और मोस्ट प्रोबेबली ये फ़ोन पाकिस्तान में भी आएगा और बहुत जल्द तो नहीं कह सकते, लेकिन आएगा ज़रूर पाकिस्तान में। और इस फोन की जो फुल एंड स्पेसिफिकेशन है ऑब्वियसली आ चुका है भाई, इसकी फुल ऑन डिटेल स्पेसिफिकेशंस तो आ गई हैं और मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बताने वाला हूँ। साथ में एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट, ये सब चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके, और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि आने वाले फ्यूचर में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई डिस्प्ले को लेके बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप लोग को 6.4 इंचेस का एक फुल HD प्लस वाला AMOLED डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज देखने को मिलता है। लाइक टॉप नॉच डिस्प्ले है, बहुत अच्छा डिस्प्ले। लाइक आपको इससे अच्छा डिस्प्ले मेरा नहीं ख्याल इस प्राइस में मिल सकता है। और एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी इस फोन के रिलेटेड, वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी किस्म का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिलता, जबकि आपको सिर्फ एक साइड मॉडल देखने को मिलता है। खैर, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती उससे, लेकिन अगर आप AMOLED डिस्प्ले दे रहे हो तो ऑब्वियसली एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देना ही चाहिए। और इससे डिज़ाइन की बात करूँ तो भाई, काफ़ी सारे फोन्स के को रिमाइंड करवा रहे हैं ये फोन मुझे। लाइक कैमरा 19 नियो से काफ़ी डिज़ाइन मिलता है इसका, मगर डिज़ाइन इज़ गुड। मैं इतना कुछ उसको क्रिटिसाइज करूँगा नहीं। डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, मेन सेंसर है 50 MP का, एंड सेकेंड एक अनस्पेसिफाइड लेंस है, कुछ पता नहीं है कि भाई कौन सा लेंस है। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये अल्ट्रावाइड लेंस हो सकता है 8 MP का, या मोस्टली जो कंपनी 2 MP के रेलू कोटे सेंसर देती है शायद वो इस फोन में हो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इस फोन की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 W का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। जो रैम रोम वेरिएंट एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च होगा वो है 8128 पाकिस्तान में। ठीक है, एंड भाई बात करें इस फोन की अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा हीलियो G99। अब मुझे खुशी इस बात की है कि कंपनीज ने हीलियो G96 का पीछा छोड़ा है, लेकिन G99 एक नया चिपसेट है हीलियो का, मतलब मीडियाटेक का बहुत नया भी रिसेंटली आया है, और ये 6 nm फैब्रिकेटेड है। गेमिंग के लिए ये फ़ोन आप लाजमी कंसिडर कर सकते हैं, एंड ये प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिहाज से। अब देखो भाई, मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। हाँ, सेल्फी कैमरा मैंने मिस कर दिया भाई। यहाँ पे आप लोग को 16 MP की सेल्फी देखने को मिलती है, साथ में एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा, एंड जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.2 की। ठीक है भाई, तो भाई बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो भाई आप जहन में लेकर चलो 50 से 55 हज़ार रुपये, क्योंकि भाई पाकिस्तान में करंट सिचुएशंस ख़राब है, मुल्क की हालात ख़राब है, डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर है, फोन के रेट काफ़ी ऊपर है, इंपोर्ट बैन है, फोन आ नहीं रहे। तो भाई अब इस किस्म के फोन्स, इस किस्म की स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन आपको 50 हज़ार में ही देखने को मिलेंगे। और लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर या जनवरी तक लॉन्च होगा। डिले भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात हैं आजकल के, कुछ कह नहीं सकता मैं इस बारे में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कॉमेंट्स में, चलिए तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।